जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार प्रदान करने के लिए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी राशि के लिए, हाँ आपके लिए, गीता में कौन से ऐसे वचन लिखे हैं जिनको जानकर आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो पर हम बात करें इस विषय पर, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट्स में आप जय श्री महाकाल जरूर लिखें। आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, दोनों जगह हमसे जुड़े, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से सीधे हमसे जुड़ जाएंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों, गीता में जो सार लिखा है, हम आज 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे, मतलब 5 पॉइंट पर बात करेंगे जो आपके लिए गीता में लिखा है, जो बहुत सी चीज़ आपको पता भी होगी और बहुत सी चीज़ें ना भी पता होगी। सबसे पहली बात है कि जो हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है, जो होगा वो मेरी इच्छा से होगा। ईश्वर ने गीता में इस बात को इंगित किया है कि जो चीज़ें घटित हो रही है वो मेरी इच्छा से हो रही है, अर्थात ईश्वर की इच्छा से हो रही है जो भी चीज़ें। और अगर हम उस ईश्वरी इच्छा को स्वीकार कर लेंगे तो हम खुश होना सीख जाएंगे। हम होता है कि ईश्वर की जो इच्छा होती है, जो परिणाम हमें अभी दिखाई देते हैं, वो बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। आप सोचिएगा कि अगर बांध नहीं बना होता नदी पर तो आज बिजली उत्पन्न नहीं होती, लेकिन जब बांध बनता है तब बहुत से लोग विरोध करते हैं, बहुत से लोग की जमीन चले जाती है, बहुत सा नुकसान हो जाता है, वो एक बहुत अलग बात है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो बिजली हमें प्राप्त हुई। तो ये बस वही एक पूरा प्रोसेस है कि जो चीज़ें घटित हो रही है वो हमारे आगामी भविष्य के लिए बहुत अच्छी हो रही है। दूसरी बात है कर्म। मानव के हाथ में कर्म है, आपका कर्म का ओहरा जितना बड़ा होगा परिणाम भी वैसा होगा। आप जैसा कर्म करेंगे वो प्रकृति, वो ईश्वर आपको भुगतने के लिए प्रदान करेंगे और वो आपको भुगतना ही होगा। कर्म का परिणाम नहीं होता है, कर्म को भुगतना होता है, मतलब उसके जो फल है उसे सीधा पाना होता है और उसे निभाना होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ये कर्म की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम कर्म को परिणाम, एक शब्द जो है वो परिणाम मतलब अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, उस पर हम फोकस करें। तो दूसरा है कर्म। तीसरी बात है कि सकारात्मकता, कि जब अर्जुन पूरे निराश हो जाते हैं, हताश कि मैं अपने अपने बंधुओं के साथ कैसे युद्ध कर पाऊंगा, और अपने धनुष गांडीव फेंक देते हैं, तब ईश्वर कहते हैं कि आप युद्ध तो करें, हार जीत जो है वो ईश्वर के हाथ में, आप युद्ध तो करें। मतलब एक पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मकता दिखाई देती है कि निर्णय परिणाम जो भी हो हमें युद्ध करना चाहिए, मतलब हमारा काम करना चाहिए सकारात्मकता के साथ। इस चीज़ पर भी आपको हमेशा फोकस रखना चाहिए। चौथी बात है ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था, श्रद्धा रखना। जब ज्ञान दिया अर्जुन को भगवान ने, तो अर्जुन पूरा ईश्वर के प्रति आस्थावादी हो गए। जब उन्होंने विराट रूप ईश्वर का दर्शन किया तो पूर्ण श्रद्धावान हो गए, पूर्ण आस्थावान हो गए, और उसी का परिणाम विजय था। उनसे अच्छे अच्छे धनुर्धर थे विपक्ष में, लेकिन फिर भी अर्जुन की जीत हुई। मानता हूँ उनके साथ ईश्वर थे, लेकिन कुछ बेसिक्स बातें थी, ईश्वर का होना और ईश्वर की सत्ता को महसूस करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो आप ईश्वर की सत्ता को महसूस करें, ये चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और कलयुग के विषय में जो बात कही है वो है जप। आप कलयुग में जितना जप करेंगे, जितना ईश्वर का नाम लेंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए जप कंटिन्यू करते रहेंगे। ये 5 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन 5 बातों पर आपको फोकस करना चाहिए, और इन 5 बातों को आप जीवन में अमल करेंगे, मुझे पूरा यकीन है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में खुलकर लिखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और फेसबुक, ट्विटर दोनों जगह हमसे जुड़ेंगे ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो मिलती रहे। जय श्री महाकाल।